कोरोना के दौरान देश में कई तरह के धोखाधड़ी के मामले देखने को मिले। इनमें से कई लोगों को ईमेल के जरिए तो कई लोगों को फोन कॉल के जरिए फ्रॉड का शिकार बनाया गया। ऐसे फ्रॉड को लेकर पुलिस और बैंक लगातार अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई फ्रॉड ऐसे भी सामने आए हैं जो मुफ्त वाईफाई देने के नाम पर किए गए। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इसे लेकर एक अलर्ट जारी किया है कि फ्रॉड के कई मामलों में मुफ्त वाईफाई एक बड़ी वजह है। RBI ने लोगों को मुफ्त वाईफाई से होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंकों ने लोगों से फिलहाल किसी भी फ्री वाईफाई को इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने अपने अलर्ट में कहा, इस समय कई फ्रॉड लोगों को ठगने के लिए फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही लोग फ्री वाईफाई का नाम सुनते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये धोखेबाज लोगों के खातों को हैक करके उनकी जमा राशि निकाल लेते हैं। ये लोग कई तरह के लुभावने ऑफर्स भी देते हैं। इतना ही नहीं, KYC की जरूरतों को पूरा करने जैसे फर्जी बहाने लेकर बैंक की वेबसाइट की हूबहू नकल करते हुए लोगों को ठगा जा रहा है। ग्राहकों को मोबाइल, ईमेल, ई वॉलेट में अपना बैंकिंग डाटा न रखने की भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा RBI पहले से ही अपने ग्राहकों को किसी के साथ अपना OTP, पिन या CVV नंबर न बताने के लिए कहता आ रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोगों को साइबर हमलों की चेतावनी दी है। बैंक ने कहा है कि अगर फ्री कोविड टेस्ट के नाम पर कोई मेल आए तो उस पर क्लिक न करें। अगर आप उस मेल पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है।